हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। अगर वीडियो को आप लोगों ने ऑन कर ही लिया है तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेना हार्मफुल है। और अगर जानकारी आप लोग लेने आए हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, तभी तो आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विंटर सीजन में किस तरह से, जब आपने ऑयलिंग की हुई है अपने बालों में, तो आप किस तरह से अपने बालों में स्लीक कॉम्बिंग कर सकते हैं एंड अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था जिसके स्कैल्प पे डैंड्रफ हो रखा है वो किस तरह से उसे खत्म कर सकते हैं। तो उसी ऑयलिंग प्रोसेस को करने के बाद आप इस प्रोसेस को भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जब आप उस रेमेडी को लगाएंगे डैंड्रफ वाली को, तभी इस प्रोसेस को करेंगे। जैसे आप चाहें, अगर आपने नॉर्मल ऑयलिंग कर रखी है, हैवी ऑयलिंग कर रखी है, तो तब भी विंटर सीजन में इस प्रोसेस को कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम डेली ऑयल अपने बालों में नहीं लगाते हैं, और अगर ऑयल लगाते हैं तो बहुत ही लिमिटेड कई दिनों में ऑयल लगता है। लेकिन सर्दियों में बहुत लोगों की आदत होती है तो डेली ऑयल लगाते हैं या फिर हैवी ऑयलिंग करते हैं, और हैवी ऑयल हमारे बालों से इतनी आसानी से नहीं निकल के देता। तो सबसे पहले अब देखते हैं किस तरह से मैंने अपने बालों को वॉश किया है और उसके बाद किस तरह से अपने बालों को कॉम्ब किया है। गीले ही बालों को मैंने कॉम्ब किया है। देखिए, यहाँ पे मैंने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है। गर्म पानी आपको नहीं लेना है, आपको गुनगुना पानी लेना है, और गुनगुने पानी से ही हम अपने सिर को धोएंगे। और शैम्पू मैंने यहाँ पे सनसिल्क लिया है, जो भी आपके पास अवेलेबल है टाइम पे आप उसे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली चेंज कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक बोतल पूरी एक ही शैम्पू की लगा सकते हैं जो भी लगा रहे हैं, और फिर अगर चेंज करना है तो दूसरी बोतल तब चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आज एक पैकेट सनसिल्क का लगा लिया, कल को डव का लगा लिया, तो जो आपके पास है आप उसी को यूज करेंगे। अब सबसे पहले अपने सर को गुनगुने पानी से धोएंगे। गुनगुने पानी से धोने के बाद आपको अपने बालों में शैम्पू करना है अच्छे से। इसी तरह से आप अपने बालों में कॉम्ब कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों का डाउट होता है कि गीले बालों में कॉम्ब करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। जिनके बाल हद से ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, उन्हें तो परेशानी रहती है, लेकिन जिनके बाल नहीं झड़ते तो उन्हें कोई परेशानी नहीं रहती। बाल झड़ना कोई ये नहीं है कि अगर आप गीले बालों में कॉम्ब कर रहे हैं तो आपके बाल ज़्यादा निकलेंगे, नहीं। जिनके पहले से ही बाल कमज़ोर हैं सिर्फ उनके बाल झड़ते हैं, और जिनके बाल मजबूत होते हैं चाहे गीले बालों में कॉम्ब करें चाहे सूखे बालों में कॉम्ब करें, उनके बालों को कोई परेशानी नहीं होगी।
बालों को वॉश भी कर लिया है और गीले बालों का कॉम्ब भी कर लिया है, तो अब अपने बालों को आप सूखने के बाद कोई भी हेयर स्टाइल अपने बालों को दे सकते हैं। और जरूरी नहीं कि डेली आप अपने बालों में ऑयल रखें। आज हमने शैम्पू किया है तो अपने बालों को ऐसे ही खुली सांस लेने दें, क्योंकि थोड़ा बहुत बालों को राहत चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेली डेली बस उनमें आप लोग रेमेडी दिए जा रहे हो या फिर ऑयलिंग दिए जा रहे हो। तो टाइम पे स्कैल्प की सफाई होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए आज शैम्पू करके बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे। इस वीडियो को रखेंगे इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट आप लोगों के लिए लेके। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप लोगों की कोई भी क्वेरी अगर है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों की जो भी कमेंट मुझे आती है आप लोगों का डाउट सबसे पहले मैं क्लियर कर पाऊं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वही चीज प्रोवाइड करा पाऊं जिस चीज की आपको नीड है या फिर जिस चीज में आपको डाउट आ रहा है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी प्रिटी निशु के नाम से ही है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।